सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कैरी और चने की दाल की सब्जी। यानी कि कैरी में हम चने की दाल को डाल के बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसको उसमें हम गार्लिक यानी कि लहसुन भी डालेंगे, सब्जी की तरह उसको बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कैरी और चने की दाल की सब्जी। कैरी की सब्जी बनाने में जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कैरी। मैंने 200 ग्राम कैरी ली है, उसके ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। और ये मैंने लिए चने की दाल, उसको मैंने उबाल लिया है। क्योंकि 50 ग्राम चने की दाल थी, उसको हमने पहले थोड़ी सी देर भिगो के और उसको बॉईल कर लिया है। ये है हमारा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, थोड़ा जीरा, थोड़ी सी राई और 8 से 10 इसमें लहसुन की कलियां हैं वो हम इसमें मोटा मोटा कूट के डालेंगे, और थोड़ी सी हींग और 2 से करीब 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, इसके अंदर हम पहले ऑयल डालेंगे। करीब 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी मैं इसके अंदर। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं 1 टीस्पून राई डाल दी मैंने इसमें, और 1 टीस्पून जीरा, और 1/2 टीस्पून इसमें हींग डालेंगे। अब गैस को धीरे कर देंगे हम, क्योंकि अब इसके अंदर हम कैरी डालेंगे। तो हम इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे अंदर इसमें तेल में फ्राई कर लेंगे। सब्जी बनाने के लिए इसको कैरी को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि हम तुरंत सब्जी बना रहे हैं। और यदि आपको शाम को बनानी है तो आप सुबह कैरी लेके उसको इस तरह से नमक और हल्दी में डाल के ढक के रख दें, और शाम को जब बनाएंगे तो ज़्यादा गलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँगी, तो इसमें थोड़ा सा 1/4 कप मैं पानी डाल रही हूँ, और इसको मैं 1-2 मिनट ढक दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको ढक देंगे। जब तक हमारी कैरी थोड़ी पकती है, तो मैं ये जो लहसुन की कलियां मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है वो मैं इसके अंदर डाल के मोटी मोटी कूट लूंगी। इसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर, और अब हम इसको कूट लेंगे मोटा मोटा। इसके अंदर हम प्याज और अदरक नहीं डाल रहे, सिर्फ लहसुन को मोटा मोटा कूट के डालेंगे। यदि कोई लहसुन नहीं खाते हो तो वो लहसुन ना डालें। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट पकाने के बाद ये हमारी कैरी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए आप। तो अब ये जो लहसुन मैंने मोटा मोटा कूट के रखा है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी कैरी के अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हम पका लेंगे इसको, लहसुन को थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया, हिला लिया। अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून और नमक स्वाद के अनुसार। इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे। बस अब हम इसके अंदर हमारे चने की दाल है जो हमने बॉईल करके रखी है उसको डाल देंगे। यदि आप चने की दाल ना डालना चाहें तो इसके अंदर बॉईल करके दाना मेथी, जो सूखी वाली मेथी होती है, वो भी डाल सकते हैं। यदि आप मेथी डालें तो उसके अंदर बगार में सौंफ और कलौंजी डाल लें।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये कैरी की सब्जी चने की दाल के साथ तैयार है। चने की दाल डालने के बाद हमने करीब 1 मिनट तक इसको हिला लिया अच्छे से और मिक्स कर लिया है, क्योंकि चने की दाल हमारी उबली हुई है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमारे मसाले वगैरह भी पक चुके हैं। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और हमारी कैरी की सब्जी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चने की दाल और कैरी की सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इस कैरी और चने की दाल की सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए, और यदि आप चाहें कि उसमें चने की दाल ना डालें तो आप उसमें दाना मेथी यानी सूखी मेथी है उसको भी आप बॉईल करके डाल सकते हैं चने की दाल की जगह, और राई और जीरे की जगह आप सौंफ और कलौंजी डाल सकते हैं उसके अंदर। ये सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है और उस तरह से भी आप बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी।